हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्यन हेल्थ एंड ट्रिक्स। और आज इस वीडियो के माध्यम से झंझारपुर टू लोकहा और रेल लाइन का जो है लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ। और जो झंझारपुर टू लोकहा रेल लाइन है, लगभग विगत 10 वर्षों से जो है यहाँ पे गाड़ियों का आवागमन बंद है और रेल लाइन का जो है काम चल रहा है। पटरियों को नए स्वरूप दिया जा रहा है, स्टेशनों को जो है नए तरीके से वापस से बनाया जा रहा है। और इसी संदर्भ में जो है हमेशा मैं आप लोगों के बीच वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, झंझारपुर हॉल्ट जो है वहाँ से लेकर के और महरैल हॉल्ट के बीच में जो है काम चल रहा है। और अभी पता चला है रिसेंटली कि जो बाचस्पति रेलवे स्टेशन है अंधरा ठाड़ी, वहाँ पे भी काम चल रहा है। तो दोस्तों, फ़िलहाल तो जो है मैं झंझारपुर हॉल्ट टू महरैल स्टेशन के बीच का जो काम चल रहा है वहाँ का लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ। और बहुत जल्द जो है वो बाचस्पति रेलवे स्टेशन का भी व्यू लेके आऊँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जस्ट झंझारपुर हॉल्ट के बाद जो स्टेशन जो है उससे पहले पुल का निर्माण होना है, क्योंकि इन रूट में जो है पुलों की संख्या ज़्यादा है। तो अभी फ़िलहाल जो है रेलवे के द्वारा पुलों का काम जो है वो किया जा रहा है। और देख सकते हैं पिछले वीडियो में आपने देखा था कि यहाँ पे जो है जस्ट काम शुरू हुआ था, और आज देख सकते हैं कि यहाँ पे काम जो है वो काफ़ी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे जो है पुल का निर्माण हो रहा है, और जैसे ही पुल का निर्माण हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं पटरियों का भी जो है निर्माण शुरू हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है लोहे की सरिया को जो है बिछाया गया है और उस पर अब ढलाई का काम करना है। हालांकि ये दूसरे साइड का जो है वीडियो है, उस साइड का जो है पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था और ढलाई वलाई का काम जो है वो कंप्लीट हो गया था। और अभी इस साइड में फ़िलहाल काम चल रहा है और देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है काम किया जा रहा है। और चूँकि देख सकते हैं कि यहाँ पानी भी है, तो पानी की वजह से जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही है काम करने में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक उम्मीद सी वापस से जग रही है कि झंझारपुर जंक्शन टू लोखा रूट जो है उस पे भी अब काम शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इस रूट पे भी गाड़ियों का जो है आवागमन जारी किया जाएगा।